हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन काउंसिल में। दोस्तों आज है 23 अगस्त। 23 अगस्त के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के करंट अफेयर्स पार्ट के, वो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जूनियर ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी और ये आपके इंडिया ने ही जीती है। ये साइकिलिंग चैंपियनशिप आपके जर्मनी में आयोजित की गई थी। अब दोस्तों जर्मनी के बारे में देखते हैं, पहले तो इसको हम मैप में देख लेते हैं एक बार। ये देखिए दोस्तों, मैप में जो आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, डार्क ग्रीन कलर का, वह है आपके जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल है आपके बर्लिन। और जर्मनी आपको पता होना चाहिए ये एक यूरोपियन कंट्री है और इसके राष्ट्रपति हैं आपके फ्रैंक वाल्टर स्टीनमायर और मुद्रा है आपके यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके, किस देश ने हाल ही में अमेरिकी मिसाइल परीक्षण को सैन्य तनाव में वृद्धि के रूप में वर्णित किया? यानी कि कौन सा देश है जिसने अमेरिकी जो मिसाइल परीक्षण होते हैं उनको सैन्य तनाव में वृद्धि के रूप में नामित किया? ऐसा किया है आपके रूस ने। रूस ने बताया है कि जो अमेरिकी मिसाइल परीक्षण कर रहा है वह सैन्य तनाव में वृद्धि है। अब रूस के बारे में देखते हैं दोस्तों, रूस के कैपिटल आपके मॉस्को, प्रेसिडेंट है इसके व्लादिमीर पुतिन और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं आपके दिमित्री मेदवेदेव और करेंसी है आपके रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों को निधि देने के लिए सुपरा नामक एक नई योजना शुरू करने की योजना किसने बनाई? भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। दोस्तों आपको किसी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं। एक योजना की है सुपरा। पहले तो सुपरा के बारे में देखते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। फुल फॉर्म होती है कि साइंटिफिक एंड यूजफुल प्रोफाउंड रिसर्च एडवांसमेंट, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको वैज्ञानिक और उपयोगी गहन अनुसंधान उन्नति। ये योजना शुरू की है आपके साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भारत के तटरक्षकों के साथ समुद्री मुद्दों को संबोधित करने में सहयोग को मजबूत करने के लिए कौन सा देश सहमत है? यानी कि जो भी आपके तट रक्षक होते हैं उनके जो समुद्री मुद्दे होते हैं उनको संबोधित या सहयोग करने के लिए वो देश सहमत हो चुका है। वो देश है आपके श्रीलंका। कौन है? श्रीलंका। अभी एक मीटिंग हुई थी, HLM मीटिंग। HLM का मतलब होता है हाई लेवल मीटिंग। उसमें अपने इंडिया के तरफ से थे अपने के नटराजन जी, जिन्होंने अब ये डिसाइड किया है कि जो तट रक्षक और समुद्री मुद्दे होंगे उनमें आप हमारे साथ, यानी श्रीलंका हमारे साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स भारत ने कौन सा पदक जीता? इसमें भारत ने वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स में अभी जीता है कौन सा पदक? गोल्ड पदक जीता है। अब दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि ये गेम्स कहाँ हुए थे। ये हुए थे आपके चीन में। और गोल्ड पदक जीता किसने है? ये जीता है आपके BNS रेड्डी ने। देखिए दोस्तों ये है BNS रेड्डी। BCCI में एक इकाई होती है आपके, एक यूनिट होती है भ्रष्टाचार निरोधक इकाई, उसके ये मेंबर है BNS रेड्डी जिन्होंने ये गोल्ड पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी नववर्ष नवरोज या जमशेदी नवरोज कब मनाया जाता है? ये फारसियों का नववर्ष होता है, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपके 17 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस केंद्रीय मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने विकलांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। बताइए दोस्तों कौन सा वो केंद्रीय मंत्री है जिन्होंने अभी जो अपने विकलांग लोग होते हैं उनके क्षेत्र में सहयोग के लिए ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की है? वो है आपके एम्पावरमेंट मिनिस्टर, सोशल जस्टिस के एम्पावरमेंट मिनिस्टर है आपके थावरचंद गहलोत, जिन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, किस राष्ट्र ने भारत पर पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करके 5वीं पीढ़ी के युद्ध को छेड़ने का आरोप लगाया है? अब देख आपको ये तो आपको पता ही होगा कि पानी का क्राइसिस अपने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चल रहा है, तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है इमरान खान जी, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जो भारत है वो पानी को हथियार बनाकर 5वीं पीढ़ी के युद्ध को छेड़ने की कोशिश कर रहा है। वो पाकिस्तान की कैपिटल कौन सी है आपके? पाकिस्तान की कैपिटल आपके इस्लामाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए दोस्तों, क्रिकेट माई स्टाइल ये पुस्तक लिखी गई है आपके कपिल देव के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब यानी कि MCC के मानद आजीवन सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? ये आपके एक ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट क्लब है, ये चुना गया है आपके मिशेल जॉनसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने दो अलग और विशेष झिल्लियों का आविष्कार किया जो तेल और पानी को अलग कर सकते हैं? यानी कि कौन सी IIT के शोधकर्ताओं ने दो अलग अलग विशेष झिल्लियों का आविष्कार किया है जो तेल और पानी को अलग कर सकते हैं? ये किया है आपके IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन में वृक्षारोपण अभियान किसने चलाया? राष्ट्रपति भवन में अभी वृक्षारोपण का अभियान चलाया गया है अपने राष्ट्रपति के द्वारा, रामनाथ कोविंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? और अभी मनाया गया है ये आपके 21 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण दिवस। ये क्यों मनाया जाता है? जो आतंकवाद से जो पीड़ित होते हैं, जो लोग आतंकवाद से पीड़ित होते हैं, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है इस दिन, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों। अब मैं आपको जो अगस्त के जो इम्पोर्टेंट डे थे, अगस्त के जो भी इम्पोर्टेंट दिवस थे आपके, उनको मैं एक बार आपको रिविजन कर देता हूँ, सिक्वेंस वाइज रिविजन करा देता हूँ। तो आप देखिए, 6 अगस्त को था आपका हिरोशिमा दिवस, और 7 अगस्त को था राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस, 9 अगस्त को था आपके नागासाकी दिवस, 10 अगस्त को था आपके विश्व जैव ईंधन दिवस, 12 अगस्त को था आपके अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, या मैंने बोला है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, न कि राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस होता है आपके 12 जनवरी को। 19 अगस्त को होता है आपके विश्व मानवतावादी दिवस। 19 अगस्त को एक और दिवस होता है आपके विश्व फोटोग्राफी दिवस। 20 अगस्त को होता है आपके सद्भावना दिवस, और 21 अगस्त को होता है आपके अंतर्राष्ट्रीय स्मरण दिवस। तो दोस्तों जैसे मेरे को याद है ये सीक्वेंस में, वैसे ही आपको याद होना चाहिए। और ये याद आपको कैसे होगा? ये होगा आपको जब आप इन पूरे दिवस को सीक्वेंस वाइज, अगस्त के जो फर्स्ट यानी 1 अगस्त से लेकर आप 30-31 अगस्त तक आप उनको सीक्वेंस में लिखेंगे, तब आपको ये पूरा याद होंगे और उनको आप रोज़ रिविज़न करोगे। नेक्स्ट ये देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल रिमाइंडर्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को पहला राफेल जेट कब प्राप्त हो जाएगा? अभी जो राफेल की डील हुई थी इंडिया की, वो पहला जेट अपन को कब प्राप्त होगा इंडिया को? अब देखते हैं राफेल के बारे में कि क्या है ये राफेल। राफेल एक डसोल्ट कंपनी है जो राफेल जेट बनाता है, और ये कौन से देश की कंपनी है राफेल? ये आपके फ्रांस की कंपनी है। तो राफेल ने अभी बताया है इंडिया को कि आप सितंबर 2020 तक, यानी सितंबर 2020 में आप अपना पहला राफेल जेट ले सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ऐसे होते हैं आपके राफेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतारोहण के लिए गृह मंत्रालय ने कितनी चोटियां खोल दी है? यानी कि जो भी आपके विदेशी जो पर्वतारोही होते हैं, वो यहाँ आके अपना अभ्यास कर सकते हैं, उनके लिए अभी गृह मंत्रालय ने 137 चोटियाँ खोल दी है। अब दोस्तों ये 4 स्टेट में है ये चोटियाँ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, और अकेले आपके जम्मू कश्मीर की 15 चोटियाँ है, और भी कई स्टेट में ये चोटियाँ हैं। और आपके ये खोली किसने है? ये खोली आपके पर्यटन मंत्री ने, जो कि कौन है? प्रहलाद पटेल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र के अलावा कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? दोस्तों ये आपका करंट का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मेरे को ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो मैंने आपको ये प्रोवाइड कराया। दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। शुक्र के अलावा कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? शुक्र भी आपके पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, और एक होता है आपके यूरेनस। यूरेनस भी आपके पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एशियाई पर्वत को चढ़ाई की अत्यधिक कठिनाई के कारण सेवेज पर्वत के रूप में भी जाना जाता है? ये आपके एशिया का पर्वत है केटू। कौन है? केटू। और केटू कहाँ स्थित है? ये आपके चाइना पाकिस्तान की बॉर्डर पर स्थित है, लेकिन ये आता है आपके पाकिस्तान में, और इस पर जो चढ़ने में कठिनाई होती है, उसके कारण इसको सेवेज पर्वत के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया है? कैबिनेट सचिव किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है आपके राजीव गौबा जी को। नेक्स्ट है, रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है? भारत के जो रक्षा सचिव है वो किसे नियुक्त किया गया है? वो है आपके बी ऑप्शन, यानी कि अजय कुमार जी। नेक्स्ट है, सभी वाहनों के लिए फास्ट टैग कब से अनिवार्य हो जाएगा?
फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा आपके दिसंबर 2019 तक। अब देखते हैं दोस्तों ये फास्टैग है क्या। जो भी आपके टोल प्लाजा होते हैं हाईवेज पर, उन पर ये लगा होगा। अगर आप किसी टोल प्लाजा को क्रॉस करते हैं तो वहाँ आपको रुकना नहीं पड़ेगा। आपकी आपका जो गाड़ी होता है उस पर एक स्कैनर लगा होगा, जिससे डिटेक्ट करके या आपके आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा फास्टैग का, जिससे आपके अकाउंट में से डायरेक्ट पैसे आपके टोल के कट जाएंगे। उससे आपको अकाउंट लिंक करना पड़ेगा और वहाँ आपको रुकना नहीं पड़ेगा, इससे आपके टाइम की बचत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंसा के पीड़ितों को स्मरण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। जो हिंसा, जो धर्म के कारण जो हिंसा होती है उनसे जो पीड़ित हो जाते हैं लोग बाग, उनको स्मरण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। अभी वो मनाया गया है आपके 22 अगस्त को। दोस्तों आपके अगस्त के मैंने अभी आपको सभी इम्पोर्टेंट डे बताए थे, आप एक बार वीडियो को वापस देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको पूरे इम्पोर्टेंट डे बताए हैं अगस्त के, तो आपको वो पूरे सीक्वेंस में याद होने चाहिए। नेक्स्ट है, पुष्किन पदक 2019 से किसे सम्मानित किया जाएगा। जो पुष्किन पदक होता है 2019 का, उससे किसे सम्मानित किया जाएगा। पुष्किन पदक देती है आपकी रूस की गवर्नमेंट, यानी रूस के द्वारा दिया जाता है ये पदक, और इसे अभी सम्मानित किया जाएगा। जो आपके मीता नारायण जी है, JNU की प्रोफेसर हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। बताया जाता है दोस्तों कि ये जो भारतीय विद्वान होते हैं उनको दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारल इंडेक्स किसने लॉन्च की। बताइए दोस्तों सारल इंडेक्स किसने लॉन्च की है। सारल इंडेक्स लॉन्च की है आपके आरके सिंह ने। इसमें होता है आपके स्टेट रूपटॉप सोलर और अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, यानी कि इसमें जो आपके इनके लिए एक इंडेक्स लॉन्च की गई है। जो भी आपके स्टेट होते हैं रूपटॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस, उनमें जो आपके स्टेट होते हैं उनकी एक इंडेक्स होती है, तो ये लॉन्च की है आपके जो एनर्जी मिनिस्टर है, ऊर्जा मंत्री है आरके सिंह जी। इसमें आपके कर्नाटक ने टॉप किया है। फर्स्ट नंबर पे आपके कर्नाटक है, सेकंड स्थान पे आपके तेलंगाना है, और थर्ड स्थान पे आपके गुजरात है। तो ये आपको याद रखना है। और ये किसके लिए होती है ये भी आपको याद रखना है। सारल इंडेक्स ये होती है आपके स्टेट रूपटॉप और सोलर और अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरबत सेहत बीमा योजना कौन से राज्य ने शुरू की है। तो सरबत सेहत बीमा योजना है वो कौन से राज्य ने शुरू की है। ये योजना शुरू की है आपके पंजाब ने शुरू की है। अब पंजाब के बारे में देखते हैं दोस्तों। पंजाब की कैपिटल आपके चंडीगढ़, CM है आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह, और गवर्नर है आपके VP सिंह बडनोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं में एकमात्र भारतीय कौन है। जो भी आपके टॉप 10 के जो अभिनेता हैं उनमें एकमात्र भारतीय हैं अपने, जो कि आपके चौथे स्थान पर हैं, वो हैं आपके अक्षय कुमार। इसमें आप किंग खान पे टिक मत कर देना दोस्तों, किंग खान इसमें नहीं है। इसमें आपके हैं अक्षय कुमार, जो कि आपके 466 करोड़ की कमाई के साथ चौथे स्थान पर हैं। और दोस्तों ये इंडेक्स आपके कौन निकालता है, ये निकालता है आपके फोर्ब्स, जो कि आपके फोर्ब्स निकालता है। फोर्ब्स ने बताया कि दुनिया में जो टॉप 10 है उनमें आपके इंडियन है आपके अक्षय कुमार जी। अब फर्स्ट नंबर पर देखते हैं, फर्स्ट नंबर पर हैं आपके इसमें ड्वेन जॉनसन द रॉक, जो कि 641 करोड़ की कमाई के साथ इसमें टॉप पर हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।